नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तोशांशु पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम लोगों को आज एक विशेष चर्चा करनी है। आज हमारी चर्चा का विषय क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इस महत्वपूर्ण सूचना के पीछे जो है हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं। वो महत्वपूर्ण सूचना क्या है, वार्षिक परीक्षा 2023 और इस परीक्षा में हम लोगों की तैयारी चाहे जैसी भी हो लेकिन परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी। अब आपके पास में एक और सूचना है और वो है 11/3/2023 विषय कोड होगा 201। विषय कोड क्या होगा, विषय कोड होगा 201 और ये है भौतिकी। तो क्या आपकी धड़कनें तेज हो गई हैं, क्या आपको डर लग रहा है या आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं? इन सारे विषयों के जो है, इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आप अपने मन में टटो ले तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि 11/3 और हमारी परीक्षा असल में चालू हो रही है 2 तारीख से और इसका मतलब ये है कि हमारे पास में मैथ्स भी है, हमारे पास में फिजिक्स भी है, हमारे पास में केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, इंग्लिश भी है। ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या हम सिर्फ भौतिकी की बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे उस प्लानिंग की जिसमें हम लोगों ने धीरे धीरे करके सारे तार जोड़े हुए हैं, जहां हम लोगों ने यह योजना बनाई है कि किस तरीके से हम पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में हमला करेंगे 2023 के इस एग्जाम के ऊपर और लेकर आएंगे सफलता। हम बात कर रहे हैं उस टेंडेंसी की जहां पर सारे लोग हार्ड वर्क के ऊपर रिलाय करते हैं, लेकिन हमारी एक योजना है जिसके कारण हम एक स्मार्ट वर्कर रहेंगे और हमें मिलेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हम बात कर रहे हैं अभिप्सा के एग्जाम सीरीज मिशन 2023 की। यहां क्या बातें होने वाली हैं, यहां हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक विषय, हर एक अध्याय के बारे में हम पूरा एनालिसिस करके बैठे हुए हैं और हम आप लोगों तक क्या डिलीवर करेंगे। अगर आप हमारे एप्लीकेशन में ज्वाइन इन करते हैं वहां पर आपको मिलेगा माइंड मैप, ठीक है। तो ये माइंड मैप जो है आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी होने के बाद भी आपको एक क्विक रिविजन के बारे में बहुत अच्छा जो है सॉल्यूशन देता है। यहां पर जैसे ही आप पन्ने पलटते हैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपकी आंखों के सामने झूलने लगता है। हम आपको दे रहे हैं यहां पर शॉर्ट नोट्स, यहां ये शॉर्ट नोट्स जो है हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने आप में समेटा हुआ है। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे काम करने का तरीका ही ऐसा है कि हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम एक हर एक चैप्टर पकड़ेंगे, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसके आईएमपी क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे और ब्लूप्रिंट वाइज जो है हम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है आप चिंता मत कीजिए, हम आपको ब्लूप्रिंट के बारे में भी समझा देते हैं। तो हम यहां पर एग्जाम सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं अभिप्सा का क्लास 10th और क्लास 12th के लिए और यहां पर हमारा टैगलाइन क्या है कि साल भर पढ़ा नहीं तो फिक्र नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने सारी प्लानिंग की, हमने सारी चीजें समझी, हम आपकी टेंडेंसी, आपकी जो है आपके डर और आपकी जो है क्षमताओं, सभी चीजों को एनालाइज करके और धीरे धीरे करके यह है इन सारी चीजों को आपके साथ लाते जाएंगे ताकि आप हर रोज सीखें, बिल्कुल सीखें और परीक्षा के दिन तक आप 70 में 70, ये मैंने बात की फिजिक्स की, या आप बोल सकते हैं कि 100 में 100 की तैयारी लेकर के जाएं। अब यहां पर जो है और हमें क्या जानना चाहिए, तो कक्षा 12वीं के लिए भौतिकी और यहां पर हम सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। ये ब्लूप्रिंट आखिर होता क्या है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इन्होंने या हर एक शिक्षा मंडल क्या करता है कि आपके एग्जाम के पहले आपको कुछ विशेष जानकारियां दी जाती हैं। वो क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं, भाई आपके पास में आपके सिलेबस में कुल मिला के 13 चैप्टर हैं, उन 13 चैप्टर में से हम अगर बराबर भी बांटना चाहें तो कितने कितने अंक जो है कहां कहां से बांटे जाएंगे। कुछ 5 अंकों वाले प्रश्न हैं, कुछ 4 अंकों वाले प्रश्न हैं, बहुत सारे 3 अंकों वाले प्रश्न हैं, फिर 2 अंक और 1 अंक वाले भी प्रश्न आते हैं। इन सारे प्रश्नों को कहां से सेलेक्ट किया जाएगा उस तैयारी के बारे में अगर आप सोच सकते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि हर एक चैप्टर उठाएं और उसके बारे में तैयारी से पहले ही एक टेंडेंसी बना लें कि यहां पर से कुल मिला के 7 या 8 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक 5 अंक वाला प्रश्न है, बड़े बड़े 4 डेरिवेशन है उनको मैं पहले सीख लेता हूं, फिर ये 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न हमारे पिछले जो है क्वेश्चन पेपर्स में 2017 में
में, 2018 में, 2008 में, 2003 में, इन सारे वर्षों में इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अगर मेरी तैयारी अच्छी है तो मुझे सक्षम होना चाहिए कि मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। अगर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो कम से कम मैं उन प्रश्नों के उत्तर सीख जाऊं। तो हम जब यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे कि इकाई और विषय वस्तु क्या है। हम देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारी पहली इकाई है कौन सी, इकाई एक, और वहाँ पर हमारे पास में है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये हमारा अध्याय एक है। यहाँ पर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, अध्याय दो है, और इन दोनों को मिला के एक इकाई बनाई गई, और इस एक इकाई से आपको कुल मिला के आठ अंक पूछे दें, मतलब आठ अंक दिए जाएंगे। इन आठ अंकों में एक आपके पास में प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक अंक वाला, एक में है लघु उत्तरीय प्रश्न दो अंक वाला, दो और एक तीन अंक हो गए, और एक है पांच अंक वाला प्रश्न। मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आपको आठ में आठ अंक चाहिए, और उसके लिए ये पांच वाला तो आप टारगेट करेंगे ही, एक और दो अंक वाले प्रश्नों को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ बच्चों की जो है तैयारी पूरी तरीके से अच्छी ना रह पाई, तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहला फोकस करेंगे कि आप पांच अंक वाले उस प्रश्न के बारे में भरपूर जानकारी इकट्ठा कर लें, आप पूरी तरीके से मांझ लें अपने आप को, पूरी तरीके से सक्षम हो जाए कि मेरा भैया ये पांच अंक तो कहीं नहीं जा रहा है। तो हमने उन बच्चों के लिए भी तैयारी कर रखी है जिन्हें इस पांच अंक से मतलब है, और उन बच्चों के लिए भी तैयारी कर रखी है जिन्हें इस एक और इस दो अंक के प्रश्नों से भी मतलब है। मतलब अब मैं अपने विषय के बारे में क्या बताऊं, मैं आप लोगों को पहले पूरा एक विषय एक दो या तीन वीडियोस में पूरा एक चैप्टर जो है कंप्लीट करके बताऊंगा, पूरा एक अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए हम वो सारी चीजें सीख जाएंगे। जब हम वो सीख जाएंगे तो हम फिर PYQ चलाएंगे। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले जितने भी वर्षों से जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम हर उस प्रश्न को पलटने का प्रयास करेंगे, हम हर वो चीज सीखेंगे जिससे आपके एग्जाम में आपको फायदा होता है। और फिर ये सिर्फ एक की बात नहीं है, यही प्रकरण हमारा जो है चलता रहेगा हर एक चैप्टर के साथ में। हर एक चैप्टर में उतनी डिटेल हमारी तैयारी रहेगी, और हर एक चैप्टर में उतने ही एनालिसिस के साथ में आपके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक दिन वीडियो देखते हैं या दो दिन वीडियो देखते हैं और उसके बाद में कहेंगे कि अभिप्सा से हमें लाभ नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। आपको करना क्या चाहिए, आपको ये चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि हर एक वीडियो जो आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी क्लास दसवीं के लिए भी और बारहवीं के लिए भी। मान लेते हैं आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो दसवीं में हैं, तो आप उनको भी ये जो है वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बोर्ड एग्जाम, मतलब हम दोनों बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, फिर हमारे कुल मिला के 10 चैप्टर्स और उसमें आने वाले सारे अध्याय, इन सारे अध्यायों पर जो है हम विशेष चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि भाई यहां पर जो है हमारे पास में एक ऐसा अध्याय है जहां से पांच अंकों के प्रश्न आते हैं, आपका सबसे लास्ट चैप्टर है, और बहुत सारे लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन संचार व्यवस्था इतनी आसान और इतनी मजेदार चीज है कि यहां पर अगर आप जो है झंडे गाड़ना चाहें तो बिल्कुल आप जो है फतह लेके आएंगे, क्योंकि बहुत आसान है। यहां पर हम अगर तुलना करें तो यहां पर जो है हम क्या क्या चीजें किस किस तरीके से सीखेंगे, हमारे पास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके बारे में हमें चर्चा करना हमारे एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहां पर हम पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं हम उनके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको सिर्फ अभिक्षा में मिलेगी, और वो ये है कि हम आंसर राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। मतलब जब भी आप प्रश्न लिख रहे हैं, अगर पांच अंक का प्रश्न है तो उसमें आप चित्र बनाएं या ना बनाएं, आप जो है फॉर्मूला यानी कि सूत्र लिखें या ना लिखें, आप जो है इसमें और कौन कौन सी एडिशनल जानकारियां देते जाएंगे ताकि आपको पांच में से पूरे के पूरे पांच अंक मिल सकें, इस बारे में हम विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो आपका काम क्या है, आपका काम है कि कर भला तो हो भला, ये बात समझने। आप अगर अपने दोस्तों से ये चीजें शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, तो हो सकता है एक ऐसी स्थिति आए जब मेरी किसी बात को आपके दोस्त ने नहीं समझा, लेकिन अगर आप समझ गए तो आप अपने दोस्तों को भी समझा पाएंगे। इससे आपको दो डबल कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक कि आप चीजें सीख गए हैं, और दूसरा कि आपने रिविजन भी कर लिया, आप अपने दोस्तों को भी बता पा रहे हैं।
ये चीज़ें कब संभव होंगी? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो का लाभ उठा रहे होंगे और आपस में चर्चा कर रहे होंगे। तो अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं, तो सबसे पहला काम है कि इसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि यूट्यूब में आपको कंटेंट मिल सके। लेकिन अगर आप हमारे एप्लीकेशन में आएंगे तो ना सिर्फ वहां पर आपको ये कंटेंट मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको माइंड मैप, चैप्टर नोट्स और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक जबरदस्त गाइडलाइन मिलेगी। आपको जानना चाहिए हमारी टीम के बारे में। हमारी टीम में दीपा वर्मा मैम है जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। अब ये पढ़ा रही हैं आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, और इसके साथ साथ ये कैरियर काउंसलिंग वाली जो बात है, इसका मतलब ये है कि परीक्षा के पहले भी परीक्षा के बाद भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप जो है 12वीं से निकल जाएंगे और उसके बाद में जब आप कॉलेज सोचने मतलब कॉलेज के बारे में सोचना चाहेंगे, तब आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा उचित कदम क्या हो सकता है, ये एक प्रोफेशनल आपको बता सकता है। बायोलॉजी के लिए छाया मैम से आप बात करें, आपको सारे के सारे कंसेप्ट इस तरीके से समझ में आते हैं कि आप खुद अपने आप, क्योंकि ये जीव विज्ञान पढ़ा रही हैं, आपको खुद अपने आप के अंदर झांकने की जो क्षमता विकसित की जा सकती है मैम के पास में है। फिर देखेंगे हम अपने मैथ्स एक्सपर्ट हिमांशु सोनी की। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी तक मैंने इनसे ज्यादा सक्षम टीचर नहीं देखा है। इनके कंसेप्ट, इनका थ्रो, इनका आउटपुट इतना जबरदस्त है कि आप मेरे बाद में इन्हीं के वीडियो देखें और फिर डिसाइड करें। हो सकता है मैं आपको थोड़ा कम मजेदार लगूं, लेकिन इनके साथ में आपको पढ़ने में जो मजा आएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहां जो है हम टकेश्वर साहू की बात कर रहे हैं, ये सर जो है क्लास टेन तक की मतलब गणित पढ़ा रहे हैं और इनके कंसेप्ट जबरदस्त है, और खास करके ये जो वैदिक गणित के कंसेप्ट हैं वो चीज़ें जो है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर हम बात करेंगे रमेश निषाद, भाषा जरूरी है भाई, मतलब ये बात है कि अगर आपने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की और मैथ्स की, इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर ली है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज भूल जाते हैं तो वो भी 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। उसके भी एक नंबर का उतना ही महत्व है जितना आपके फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री के एक नंबर का महत्व है। तो जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको आसान तरीके से समझाने का कार्य काम करके हमारे रमेश निषाद सर। फिर हम बात करेंगे लोकेश विश्वकर्मा सर की। तो ये रसायन शास्त्र के जो है प्रखंड विद्वान हैं और ये चीज़ें जो है जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ केमिस्ट्री में हम जनरली ये सोचते हैं कि हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो ना हो, लेकिन हम किसी तरीके से उत्तर देना सीख जाएं, ये ऐसी बात नहीं है। ये जब पढ़ाते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे, यही बात हरीश साहू सर की है। एक विजिलेंट, एक डैशिंग पर्सनैलिटी जो आपको हर वो चीज़ अवेलेबल करा पाएंगे जिनकी आपको ज़रूरत है, चाहे आपको पता हो या ना हो, सर को पता है। फिर मेरी बात करते हैं, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और मैंने पियर्सन एजुकेशन के साथ में मिलकर लगभग 5 से 7 साल इंटरनेशनल मतलब कंपनीज में काम किया हुआ है। मैंने बहुत सारे देशों में काम करने वाली एजुकेशनल कंपनी में काम करके और ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत सारी रिसर्च की हुई है। अब अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा तो आप मुझे लाइक्स देते रहिएगा भाई, क्योंकि मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये टीम जो है इसके पास में जो क्षमताएं हैं वो आपके लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए अपनी फिजिक्स की तैयारी के लिए, अपनी केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, अपने मैथ्स, अपने बायोलॉजी की तैयारी के लिए, और हर वो चीज़ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने हर वो चीज़ आपके लिए ला कर रखी है। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे होंगे सारी वो चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जुड़े रहें एग्जाम सीरीज मिशन 2023, और अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो जैसे मैंने कहा माइंड मैप, जैसे मैंने कहा शॉर्ट नोट्स, और जैसे मैंने कहा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 1-to-1 मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से जाएँ इस लिंक पर और हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।